बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा में बजट पेश होना है, मैम किस तरीके से आप देखती हैं हरियाणा में बजट पेश होना है, लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सभी विधायकों को बुलाकर उनसे बातचीत की है, सभी सांसदों को बुलाकर, लोकसभा और राज्य के सभी सांसद और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करके जो सुझाव लिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी पेश करने वाले हैं। क्या लगता है मैम, आप सिरसा से आती हैं, सिरसा के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों के साथ डिस्कशन किया है, तो सिरसा से आप सांसद हैं, किस तरीके की उम्मीद लगती है, क्या कुछ खास इस बार सिरसा के लिए रहने वाला है इस बजट? देखिए, सिरसा लोकसभा की मैं बात करूं तो पिछले दिनों सिरसा में जो है उन्होंने मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट की है, इसके साथ साथ टोहाना के अंदर भी जो है रसूलपुर गांव में फतेहाबाद जिले के अंदर भी एक और मेडिकल कॉलेज की उन्होंने अनाउंसमेंट की है। और मुझे खुशी है इस बात की कि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जहां कहीं पर भी सरकार के मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर जो है स्टाफ नर्स के कॉलेज भी खोले जाएंगे, तो मेरी लोकसभा के अंदर हम देखें तो 2 स्टाफ नर्स के कॉलेज भी आ जाएंगे। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो मेरी लोकसभा के अंदर जो किसान जो है वो कॉटन उगाता है, तो केंद्र सरकार की योजना है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है उगाने वाले जो किसान हैं उनको मदद की जाए, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 मिलियन जो है 10 लाख के करीब बेल्स जो है उनका कंजम्पशन होता है, जिसमें से सिर्फ 3.5 लाख और 4 लाख के करीब जो है वो यहाँ पर उगाया जाता है और बाकी 6 लाख के करीब बेल्स जो हैं उसको इंपोर्ट किया जाता है। तो सरकार की ये कोशिश है कि जो हमारे किसान हैं कॉटन उगाने वाले उनको सहायता की जा सके ताकि क्वालिटी अच्छी हो, अगर वो क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो राज्य सरकार है वो भी इसके अंदर किसान भाइयों को मदद करेगी। और इसके साथ साथ मेरी लोकसभा के अंदर जो है 208 गौशालाएँ हैं, टोटल हरियाणा में 608 हैं, तो 208 गौशालाएँ हैं, उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि जो हमारा गौधन है उनके चारे के लिए जो है वो सुनिश्चित करें कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैम, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि इस बार का जो बजट है वो खास नहीं होगा, पिछली बार भी जो बजट था वो सिर्फ एक जुमला था, किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से भी एक कदम आगे बढ़कर चलते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे जो केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की बात की है। और इसी तरह से जो आयुष्मान भारत की बात करें हम, जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हमारी जनता को देने की बात थी, तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु हरियाणा के नाम से 1,80,000 तक की जिनकी आय है उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखकर लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और बहुत अच्छा बजट जो है वो प्रस्तुत करने वाले हैं। कांग्रेस लगातार 9 साल हो गए मैम, अभी तक संगठन का अपने गठन नहीं कर पाई है, अभी भी आप खींचतानी देखते भी नजर आ रहे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि किसी भी जो पार्टी है या दल है उसकी मजबूती उसके संगठन से पता लगती है। तो जो पार्टी अभी तक अपना संगठन ही नहीं बना पाई है तो वो कैसे ये बात का क्लेम कर सकती है कि आने वाले समय में जो है वो जनता उनके साथ होगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता है ज़मीनी स्तर पर वही काम करता है। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करें तो हिंदुस्तान की जो है ये इस तरह की पार्टी है जो कि पूरी दुनिया में जिसका नाम है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, और उसका एक एक कार्यकर्ता जो है वो एक सैनिक की तरह जो है वो काम करता है संगठन के लिए। तो मुझे लगता है कि जो जो मजबूती हमारे संगठन की है और जो जनता का प्यार है और जो हमारी केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 2024 के अंदर भी केंद्र सरकार में भी और हरियाणा सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल मैम, सरपंच काफी नाराज चल रहे हैं ट्रेंडिंग को लेकर, काफी लंबे समय से वो सरकार से अपनी अपनी मांगे रखते हुए नजर आ रहे हैं, इसको किस तरीके? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि 1,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अभी फिलहाल में गाँव के पास है, तो जो भी हमारे सरपंच भाई जो है वो का एस्टीमेट वगैरह बनाकर देंगे अपने अपने गाँव का, तो उसको जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पे उस गाँव को आगे बढ़ाया जाएगा, उस गाँव के विकास के कार्य किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखना चाहिए, अगर इस तरह से करते हुए गाँव का विकास होता है तो हम सबका जो कोशिश है, हम सबकी जो इच्छा है मंशा है वो यही है कि गाँव का विकास हो। तो अगर इसके माध्यम से गाँव का विकास होता है तो हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर इससे विकास नहीं हो पाता है, कहीं कोई दिक्कत आती है मुझे लगता है, तो फिर इसमें इसको वापस समीक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने खबर अभी तक से खास बातचीत की। राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।